तो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, होनोट्रॉन हियर। आप सभी लोग का स्वागत है मेरा 100 डे सर्वाइवल इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर स्नो ओनली वर्ल्ड। हिंदी में बोले तो बर्फ पड़ने वाली। अच्छा, तो गाइस शुरुआत में मैंने भी थोड़ा सा लकड़ियां तोड़ के डंडे बनाए, फिर एक बहुत ही बड़ा बर्फ जमा हुआ पहाड़ में चढ़ना शुरू कर दिया। मैं पहाड़ के ऊपर से चारों तरफ विलेज को ढूंढ रहा था, लेकिन हमें सिर्फ बाबा जी का टुल्लू मिला। फिर हमें उसी पहाड़ में कोबलस्टोन और कोल मिला, जिससे मैंने स्टोन टूल्स और टॉर्च बनाया। फिर धीरे धीरे उस पहाड़ से उतरा और एक केव में घुस गया। उस केव के एंट्रेंस में मुझे कॉपर मिला और एग्जिट में मुझे शुगर कैन मिला। वैसे पानी के अंदर मुझे थोड़ा सा आयरन मिला, तो मैंने उसे भी कलेक्ट कर लिया। और बस आगे जा ही रहा था, तब तक मुझे इस वर्ल्ड का सबसे पहला रूइन पोर्टल भी दिख गया। और चेस्ट के अंदर नॉकबैक का गोल्डन स्वॉर्ड और सिल टच का एक्स के साथ साथ मुझे थोड़ा ऑब्सीडियन भी मिला। मैं बस यही सोच रहा था कि कैसे भी करके पहले ही दिन में अगर मुझे विलेज मिल जाए तो यार मजा आ जाएगा। बट यार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने रास्ते में मेरा भूख मिटाने के लिए एक कार्गो शो मारा, लेकिन यार तब तक रात हो गया, तो मैंने फटाक से एक गड्ढा बनाया और उस रात वहाँ पर ही टाइम पास किया। लेकिन मैं खड़े खड़े वहाँ पे बोर हो गया, तो यार मैं वहाँ पे माइनिंग करना शुरू कर दिया। यार हम सबको पता है कि माइनिंग करने के टाइम पे हम बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, डायमंड मिलने के लिए, आयरन मिलने के लिए, ऑडियंस मिलने के लिए। क्या बोला तूने? कुछ नहीं। हाँ तो गाइस मैं ये बोल रहा था कि जब भी मैं माइनिंग करने जाता हूँ, मुझे एक बच्चे की आवाज बार बार मेरे दिमाग में गूंजता रहता है। आपको पता है क्या है वो? सबर कराई सर सर व्हाटएवर। तो यार बिना बोले सबर कराई कर देना। अरे बाबू भैया, मेरा नहीं सब्सक्राइब बटन का खोपड़ी तोड़ना है। तो गाइस यहाँ पर बहुत देर माइनिंग करने से मुझे कोल, कॉपर और फ्लिंट मिला, और आगे जाते जाते मुझे एक बहुत ही बड़ा केव मिला। वैसे मेरे पास कोई अच्छा आर्मर नहीं था, ना ही कोई अच्छा वेपन था, तो मैं चुपचाप वापस ऊपर चला गया। बस हवा निकल गई। ए भाई बाद में आऊंगा मैं, लेकिन इसके बाद मैं यहाँ पे कभी नहीं आया। और रास्ते में मुझे थोड़ा कुछ फूल मिला, तो यार मैंने उन सबको कलेक्ट कर लिया। पम्पकिन का क्या करूंगा पता नहीं, बट मैंने वो भी कलेक्ट कर लिया। और जाते जाते फाइनली मुझे पहाड़ के ऊपर एक विलेज मिला। रुको जरा, सबर करो। विलेज मिलने के खुशी में मैं बहुत तेज विलेज के करीब पहुंच रहा था, बट जैसे मैं नजदीक गया चीटिंग करता है तू। ये विलेज तो ऑलरेडी गया गुजार है। बट यार यहाँ का स्पाइडर वेब को यूज करके मैं मेरे लिए स्ट्रिंग बना के बेड बना सकता हूँ। तो मैंने इस घर का स्ट्रिंग कलेक्ट किया, और साथ साथ इस घर का एक चेस्ट में मुझे बहुत ज्यादा ब्रेड मिला। फिर मैंने स्ट्रिंग से वुल बनाया और वुल से बेड बना दिया। शाबाश। अरे थैंक यू जी। फिर दूसरा घर पे मुझे एक स्मोकर और एक मटन मिला, फिर उस मटन को पकाया और मेरा स्टैमिना को रिकवर किया। फिर इस विलेज से मैंने सारे लैंटर्न और बेल को भी कलेक्ट कर लिया। तब तक रात हो गया, तो गाइस मैं वहां पर ही सो गया। और गाइस सुबह जब मैं उठ के इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहा था, और ये एक छोटी सी स्नो वाली घर के अंदर मुझे एक बेड मिला। लाइक सीरियसली यार, कल मैं उस पुराना वाला घर के ऊपर स्ट्रिंग्स तोड़ के मेरे लिए एक बेड बना रहा था, और यार यहाँ पे बगल में मुझे दो तीन घर में बेड ही बेड पड़ा है। अच्छा हुआ मेरे साथ इस वर्ल्ड में कोई नहीं खेल रहे हैं, नहीं तो वो पक्का पूछ लेता अंधा क्या। फिर पता नहीं मैंने यहाँ का सारा बेड कलेक्ट किया और बोट बना के स्लाइड करने लग गया, और स्लाइड करते करते मुझे मेरा पहला विलेज भी दिख गया। और मेरे एंट्री देख के गाँव में दो घोड़े भी खुश हो गए। और यहाँ का एक चेस्ट में मुझे थोड़ा बीटरूट सीड्स और ब्रेड मिला, और यहाँ का टूलस्मिथ के पास आयरन, एप्पल, ऑब्सीडियन भी था यार। तो यार मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर ही अपना बेस बनेगा। तो यार अभी के लिए मैंने इस विलेज पे एक टेम्पररी घर बिना रेंट के लिए बुक कर लिया। फिर इस घर को मेरे हिसाब से सेटअप किया, और मेरे पास जितना भी आयरन था सब स्मेल्ट करके थोड़ा मोड़ा आयरन आर्मर बना लिया। वेट, ये आवाज कहाँ से आ रहे हैं? ओ नुबड़े उठ उठ। The next day. यार सुबह जब मैं उठ के देखा तो यार विलेजर्स मेरे घर पे काम ले रहे थे भाई, वो भी मुझे पूछे बिना। तो यार मैंने घर के बाहर एक बोर्ड रख दिया जिस पे लिखा था कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके? लेकिन यार ये सब लिखने के बाद भी बंदे मेरे घर से बाहर नहीं जा रहे थे, तो यार मैंने मेरे घर के बाहर एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया। अरे थैंक यू जी। फिर मैं मेरा आयरन आर्मर को कंप्लीट करने के लिए वापस से माइनिंग करने चला गया। तो यार यहाँ मुझे काफी ज्यादा कॉपर मिला, और वैसे आयरन भी थोड़ा मोड़ा मिल गया, और आगे जाते जाते हमें लैपस वसूली भी मिल गया। तो मैंने सब कुछ वसूल किया, फिर और थोड़ा कॉपर और आयरन कलेक्ट किया। यार बहुत देर तक स्ट्रिप माइनिंग करने के बाद भी मुझे कॉपर, आयरन और कोल के अलावा एक भी डायमंड नहीं मिल रहा था। मैं काफी कंफ्यूज था, मुझे पता है 1.18 के बाद थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं। तो यार मैंने उसका चार्ट देखा। What is that?
यार वैसे तो मैं थोड़ा कुछ माइनिंग लेवल समझ गया, बट यार अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आग बंद करके मुझे जंगल के बीच में छोड़ दिया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ ये है कि तुम लोगों ने डायमंड लेवलिंग को 16 से लेके -64 तक कहीं भी रख दिया। इसका मतलब अगर मुझे डायमंड माइनिंग करना है तो क्या मैं अप डाउन माइनिंग करूं? मतलब अपना पुराना डायमंड माइनिंग मेथड का खत्म, बाय बाय, गया। इसके बारे में आई एम नॉट श्योर, बट यार अगर आप लोग को क्लियरली पता है तो यार कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना। माफ कर देना ब्रो, फ्लो में बहुत कुछ बोल दिया। तो यार बहुत देर माइनिंग करने से अपने को इतना कुछ सामान मिल चुका है। यार कॉपर तो इतना मिल गया, क्या ही बताऊं। और गाइस बोर्ड लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये लोग मेरे घर के अंदर ही घुस गए भाई। देखो ये दोनों मुझे कैसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं भाई। हाँ मानता हूँ कि मैं थोड़ा हैंडसम हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ ब्रो। फिर मैंने इनको मेरे घर से बाहर निकालने के लिए 200 IQ लगाया। अच्छा अरे ठीक है भाई, 150 IQ लगाया, ठीक है। तो यार जैसे मैंने ट्रैप डोर को दरवाजे के एंट्रेंस पे लगाया, यार कोई भी बंदा घर के अंदर नहीं आ पा रहा था। मजा आया। फिर मैंने फाइनली मेरे लिए पूरा आयरन का आर्मर बना लिया और साथ साथ आयरन का टूल्स भी बना दिया। यार मेरे नेबर ज़ॉम्बी से भी बेकार है भाई, ये लोग मेरे दरवाजे पे ही लगे हुए हैं। यार पहली बार मैं मेरा स्टोन पिकैक्स का अंतिम संस्कार किया। क्या बोला तूने? कितना पीसफुल था यार। अरे जस्ट जोकिंग ब्रो। तो यार आगे मुझे बिल्ड करने के लिए लकड़ियों का जरूरत होगा, तो यार मैं बहुत ज्यादा वुड और सैपलिंग कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और मुझे जिधर भी पुष्पा दिखा मैंने सब कुछ कलेक्ट किया। और यहाँ पे पुष्पा मतलब फायर नहीं, फ्लावर है। और मुझे जितना भी सैपलिंग मिला मैंने सब कुछ प्लांट कर दिया। यार आजकल मुझे माइनक्राफ्ट में डीप स्लेट नाम का ब्लॉग मुझे बहुत पसंद है, और मुझे मेरा घर बनाने के लिए भी डीप स्लेट का जरूरत होगा। तो यार मैं वापस इस बार प्रॉपरली डायमंड और डीप स्लेट ढूंढने चला गया। मुझे डायमंड तो नहीं मिला, लेकिन यार डीप स्लेट बहुत जल्दी मिल गया, तो मैं फटाफट डीप स्लेट माइन करना शुरू कर दिया। वैसे मुझे डीप स्लेट इसीलिए पसंद है क्योंकि उसको हम लोग स्टोन कटर से बहुत ज्यादा वैरायटीज में निकाल सकते हैं। और डीप स्लेट को माइन करते करते मुझे इस वर्ल्ड का सबसे पहला डायमंड भी मिल गया। तो यार लैपस वसूली के बगल में ही मुझे 5 डायमंड मिल गया। मैंने बोला था ना लैपस वसूली लकी है। फिर मैं घर पे जाके सारे डीप स्लेट को स्टोर किया और मैं पेड़ काटना शुरू कर दिया। यार पेड़ काटने के बाद ही मालूम पड़ा कि मेरे पास अभी खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो चलो एक वीट पंप बना लेते हैं। वैसे गाइस फॉर सम रीजन वीट फार्म बनाने के टाइम पे मैंने एक डायमंड पिकेक्स भी बना लिया। यार फार्म तो बन गया लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 वीट सीड्स हैं। फिर मैं और थोड़ा वीट सीड्स कलेक्ट किया और मैंने उनको भी प्लांट कर दिया। वैसे गाइस अपने गांव में भी एक फार्मर है एंड उसके पास आलू है, तो मैंने उसे भी उठा के अपने फार्म में लगा दिया। और फाइनली फार्म को अंदर से डेकोरेट करने के लिए थोड़ा लैंटर्न्स भी लटका दिया। अब देखो बात कुछ ऐसा है कि अगर मुझे नेदर भी जाना है ना, तो यार मैं अगर अच्छा आर्मर के साथ जाऊंगा
तो शायद मैं लौटाऊंगा, बिकॉज यार ये हार्डकोर वर्ल्ड है। तो इसीलिए मैं वापस से और एक बार डायमंड माइनिंग करने का कोशिश किया। चलो चलो चलो। तो फिर माइनिंग करने के रास्ते में ही मुझे दो डायमंड मिला। फिर थोड़ा और आगे जाने से मुझे नूडल केव मिला। और गाइस, इस केव को एक्सप्लोर करने से मुझे क्या मिला पता है यार? मुझे मिला एक ज़ॉम्बी स्पॉनर। फिर वहां से ज़ॉम्बीज को भगाया और स्पॉनर पे आग लगा दिया। मेरा मतलब स्पॉनर के अगल बगल में टॉर्च लगा दिया। और चेस्ट के अंदर गन पाउडर के साथ साथ बीटरूट, पम्पकिन, वाटरमेलन का सीड्स के साथ साथ मुझे एक इन्फिनिटी वाला एन्चेंटेड बुक भी मिला। तो यार ज़ॉम्बी स्पॉनर का एक्सपी फार्म बना ले। यार एक्सपी फार्म बनाने के टाइम पे आपने कुछ नोटिस किया? हाँ यार, एक ही जगह पे बहुत ज्यादा डायमंड मिला। तो यार इन सबको माइन करने से मुझे टोटल यहाँ से 12 डायमंड मिला। तो इन डायमंड्स को घर पे जाके रखने के टाइम पे मुझे एक स्ट्रे ने अटैक कर दिया। फिर क्या, अपना सेलमून बॉय ने ही मुझे उस स्ट्रे से बचाया। वैसे अपना सेलमून बॉय काफी स्ट्रांग है, बट यार थोड़ा सा नूबड़ा है। यार अपना स्पॉनर वाला एक्सपी फार्म बन गया, लेकिन अंदर का टॉर्च हटाना अभी भी बाकी है। तो फिर मैंने धीरे धीरे अंदर का सारा टॉर्च हटाया एंड अब एक्सपी फार्म काम करना चाहिए। तो यार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ज़ॉम्बीज आके अटक चुके हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए AFK हो जाता हूँ। यहाँ पे कितना ज़ॉम्बीज आ गए यार। यार मजा आ गया ब्रो। तो यार फिर मैंने AFK स्पॉट से सीधा ऊपर तक एक रास्ता माइन कर लिया और माइन करते करते मुझे सैंड भी मिल गया। तो गाइस अब मैं मेरा घर के लिए खिड़कियां भी बना सकता हूँ। यार यहाँ से मेरा घर तक एक रास्ता बना रहा था, बट यार अनफॉर्चुनेटली वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो यार जिस तरफ मैं रास्ता बना रहा था वो एक्चुअली अपना घर के साइड नहीं जा रहा था, वो किसी टूटा फूटा विलेज के साइड चला गया भाई। तो अब यहाँ तक आ ही गए तो थोड़ा लूट ही लेते हैं। यहाँ का घर पे भी मुझे कुछ ब्रेड मिला और दूसरा चेस्ट में ब्रेड के साथ एक आयरन टोपी भी मिला। यार देखो मेरा आयरन टोपी थोड़ा सा डैमेज्ड है, तो यार मैंने उसे रिपेयर करने के लिए दे दिया और नया टोपी लेके पहन लिया। तो गाइस अपना एक्सपी फार्म मुझे दूर से दिख नहीं रहा था, तो यार मैंने अपना एक्सपी फार्म के ऊपर एक छोटा सा मेट्रो टनल बना दिया। यार सच्ची बताओ तो ये 1% भी मेट्रो स्टेशन जैसा दिख नहीं रहा है, बट यार कम से कम अगर मैं दूर से देखूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे मेरे एक्सपी फार्म है। यार इसको मेरा घर से क्या प्रॉब्लम है, लगता है ये फेक पिक से चिपक गया। तो गाइस मैंने डायमंड्स यूज करके मेरे लिए एक टी शर्ट और पैंट बना दिया। अभी दिखने में क्या स्मार्ट लग रहा हो ब्रो। वैसे यार मेरा सिर्फ शर्ट और बनियन बना है, टोपी और जूता भी बाकी है। तो यार मैं वापस से डायमंड माइनिंग करने चला गया। यार 20 मिनट बाद मुझे माइनिंग करने के रास्ते में ही 2 डायमंड मिला। फिर मैं और 40 मिनट माइनिंग करते गया और गाइस मुझे सिर्फ और सिर्फ आयरन और कोल मिल रहा था। और फाइनली थोड़ी देर बाद मुझे और 3 डायमंड मिला, बट यार ये मेरे लिए काफी नहीं है। तो मैं और डायमंड ढूंढने लगा, बट यार इस बार डायमंड मिला नहीं, इस बार डायमंड गया। मतलब मेरा डायमंड पिकैक्स टूट गया भाई। अब क्या वापस घर पे आ गया। कैमरामैन धीरे धीरे कैमरा उस साइड करो, जल्दी। वो देखो भाई वहाँ पे एक चुड़ैल अकेला फंस गई। What is that shot? एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर जाके ना फिनिशर अटैक दे देते हैं। watch out. ओ भाई उसने भी मेरे पे अटैक कर दिया।
ओ भाई वो मेरे पीछे पड़ी है। छोड़ दे बहन, मजाक कर रहा था यार, ये मेरे पीछे नहीं छोड़ रही, मेरे हेल्थ को। ओ भाई फाइनली गायब हो गई। गाइस कोई भी कुछ नहीं देखा और इसके बारे में इसके आगे कोई कुछ बात नहीं करेगा, समझे? तो गाइस बहुत हो गया, चलो अपने लिए घर बनाते हैं। तो गाइस घर का एक्सटीरियर तो तुम लोग ने देख लिया, अभी घर का इंटीरियर देखोगे? यार घर का इंटीरियर पे काम करना मुझे बहुत पसंद है एंड इसके लिए मैं बहुत ज्यादा वीडियोस देख रहा था एंड थोड़ा थोड़ा मैं इस घर पे अप्लाई भी किया। तो चलो हाउस टूर शुरू करते हैं। तो गाइस अगर आप लोग को ये घर पसंद आया तो यार एक फायर इमोजी दे देना, मैं समझ जाऊंगा। यार वैसे तो मुझे घर काफी अच्छा लगा बट यार मैं ना इस घर के ऊपर एक स्मोकर देना भूल गया। अभी अच्छा दिख रहा है कि नहीं? नाइस। मेरे पास ऑलरेडी ऑब्सीडियंस है तो चलो यार एक नेदर पोर्टल बना लेते हैं। तो चलो गाइस नेदर में जाने का प्रिपरेशन करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपना एक्सपी फार्म से अपने को इन्फिनिटी एन्चेंटेड बुक मिला, पता है? उसको मैंने मेरे बो पे अप्लाई किया और उसको मैंने नाम दिया एग्जैक्टली। फिर मैं सोने का व्यापारी से बचने के लिए मेरे लिए एक यूनिफॉर्म बना दिया। शाबाश बेटा। अरे थैंक यू जी। वैसे गाइस ये मेरे लिए पहली बार है, मेरा मतलब जैसे मैंने नेदर में एंट्री किया मेरे सामने एक बैस्टियन रेमनेंट था। गाइस इस बार सही में मैं बहुत लकी हूँ यार, शेडर्स के साथ नेदर बहुत डार्क लग रहा था इसलिए मैंने शेडर्स हटा दिया। वैसे यार मेरे नेदर पोर्टल के पास ही एक नेदर फॉसिल था तो यार मैंने उसे भी कलेक्ट कर दिया। फिर बैस्टियन के पास जाने के टाइम पे मैं और एक गास साथ में टेनिस खेल रहे थे। यार बोर हो गया, चलो आगे जाते हैं। मुझे पता नहीं ये बैस्टियन कितना बड़ा है लेकिन यार मुझे चेस्ट दिख गया। और हाँ यहाँ पे जितना भी मुझे लैंटर्न मिला मैंने सब कुछ कलेक्ट किया और उस चेस्ट के बगल में ही एक ब्रूट भी घूम रहा था, बेचारा खुद मेरे पास आके मर गया। मुझे इस चेस्ट में से सैडल और बाकी सामान मिला। फिर और एक ब्रूट यहाँ पे नीचे अटक गया तो यार मैंने उसको भी मार दिया।
तो गाइस यहाँ का चेस्ट में से मुझे फॉर्चून 1 का डायमंड शवल मिला और बाकी सब सामान भी मिला। फिर मुझे और एक चेस्ट से गोल्डन एप्पल मिला और मैंने एक दो गोल्डन ब्लॉक भी लूटा। और एक चेस्ट में से मुझे सोल स्पीड 1 का एक एन्चेंटेड बुक के साथ साथ बाकी सामान भी मिला। और यहाँ पे मुझे ढेर सारा मैग्मा क्रीम मिला। यार सच्ची बताओ तो ये बैशियन में कुछ कास्ट लूट नहीं मिला, तो मैं वापस चुपचाप घर पे आ गया। फिर मैंने अपना घर तक कोबलस्टोन लगा दिया। यार रिसेंटली मैं अपना भाई गेमर फ्लीट का एक सर्वाइवल सीरीज का वीडियो देख रहा था एंड उसमें से मुझे एक चीज मालूम पड़ा, अगर हम लोग कंपोस्टर में वीट सीड डालेंगे तो यार हमें बोन मील मिलता है। अच्छा, अरे हाँ ब्रो, तो मैंने भी यहाँ पे एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया। ये देखो कंपोस्टर भर गया और बोन मील भी मिल गया, थैंक्स टू गेमर फ्लीट भाई। इसके बाद मैं नेदर में नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने का बहुत कोशिश किया लेकिन यार नेदर फोर्ट्रेस नहीं मिला। वैसे भी 50 दिन पूरा होने के लिए बहुत कम दिन बचा था, तो बचा कुछ दिन में मैंने मेरा फेवरेट एक्सपी फार्म बना दिया। अबे साले, यार अभी AFK तो हो गया लेकिन यार नीचे जाने का मैंने रास्ता ही नहीं बनाया। चलो ऊपर आ गया तो थोड़ी देर AFK हो जाता हूँ, फिर सोचते क्या करना है। चलो अभी नीचे जाते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं और यहाँ से पानी गिरा के सीधा नीचे। तो गाइस अपना XP फार्म भी मस्त काम कर रहा है और वैसे अपना AFK प्लेटफॉर्म तक ऊपर जाने के लिए मैंने एक रास्ता भी बना दिया। अपना स्नो वर्ली वर्ल्ड एकदम पार्ट 2 के लिए सेट हो गया भाई। तो गाइस आई होप तुम लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो गाइस नंबर 500 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगला वीडियो पे, टिल देन योर फ्रेंडली यूट्यूबर हॉर्नेट्रॉन साइनिंग ऑफ।